अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का कहना है कि चंद लोगों को उनका चेहरा पसंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना मुस्लिम लीग नवाज की जिम्मेदारी नहीं। सदर आसिफ अली सरदारी शिकागो कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए 20 मई को अमरीका जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी का चौधरी निसार को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार, कहते हैं कि नवाज लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लेकर इत्तेहादियों को धोखा दिया। हर शख्स को मर्जी से मजहब तब्दील करने की इजाजत है, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती मजहब तब्दीली की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वाले बहबूद आबादी मुलाजमीन को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। टीचर तशद्दुद केस में असलम मिढियाना और साथियों पर फर्दे जुर्म आयद। रशकई में पाक फिजाइया के दो तरबेती तैयारे टकरा कर तबाह, चार पायलट शहीद, सोग में पायलट प्रोग्राम मंसूख। अफगान सूबे फराह में खुदकुश हमला, 7 अफराद हलाक, 12 जख्मी। और ऑस्ट्रिया में विंग सूट के जरिए उड़ने वाले मंजरों का ग्लाइडर्स के साथ मुकाबला।